भोजपुरी इंडस्ट्री के तीन सुपरस्टार आज लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री से इन्हें काफ़ी शोहरत मिली है। इन तीनों के नाम हैं निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी। तीनों बीजेपी के टिकट पर चुनकर संसद पहुंचे हैं। बेहद आम परिवार में जन्मे और पले बढ़े ये तीनों सांसद आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके परिवार में लोगों की खूब दिलचस्पी होती है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं आज इनकी पत्नियों के पास कितनी संपत्ति है। इनकी तो आप लोग हमेशा जानते रहते हैं, लेकिन आज इनकी पत्नी के बारे में भी जान लीजिए। निरहुआ भी हाल ही में सांसद बने हैं। उन्होंने आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को पराजित कर संसद में अपनी सीट पक्की की है। आपको पता है कि निरहुआ की पत्नी का नाम मनसा देवी है। निरहुआ और मनसा देवी के दो बच्चे हैं। निरहुआ की पत्नी दोनों बच्चों के साथ मुंबई में ही रहती हैं। निरहुआ के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब 7.67 करोड़ रुपए है। इनमें से मात्र 16 लाख रुपए की संपत्ति पत्नी मनसा देवी के नाम है। आपको अब बताते हैं अगले स्टार के बारे में, जिनका नाम रवि किशन है। ये गोरखपुर से भाजपा के टिकट पर 2019 में चुनाव जीतकर सांसद बने थे। उनकी पत्नी का नाम प्रीति किशन है। आप उनकी तस्वीरें भी देख ही रहे होंगे। रवि किशन ने चुनाव आयोग को बताया था कि उनकी कुल संपत्ति करीब 21 करोड़ रुपए की है। इनमें से पत्नी प्रीति के नाम लगभग 5.25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। ये बात हो गई रवि किशन और उनके फैमिली की। अब बात करते हैं मनोज तिवारी, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा के सांसद हैं। वह पहले 2014 फिर 2019 में भी इस सीट से जीते हैं। मनोज तिवारी ने भी दो शादियां की हैं। मनोज तिवारी की पहली शादी रानी तिवारी से हुई थी। 2012 में दोनों का तलाक हो गया था। इस कपल की एक बेटी है। आपको बता दें कि वह मनोज तिवारी 2020 में आकर दूसरी शादी रचा ली। सुरभि से उन्होंने शादी की और सुरभि से भी मनोज तिवारी की एक बेटी हुई है। मनोज तिवारी ने दो चुनावों के वक्त दो बार अपना हलफनामा आयोग को दिया, लेकिन दोनों बार चुनाव लड़ते वक्त वह सिंगल थे, इसलिए उनकी पत्नी की संपत्ति का कोई आधिकारिक ब्यौरा उपलब्ध नहीं हो सका। जाहिर सी बात है, जो 2012 में तलाक लेंगे तो 2014 के वक्त वो सिंगल ही थे और 2019 में भी वो सिंगल ही थे। 2020 में आकर उन्होंने शादी की। तो दोनों पत्नियों का इन्फॉर्मेशन, एक जो शुरू में तलाक ले लिए, दूसरे बाद में शादी ही किए, तो ये डिटेल्स उपलब्ध नहीं हो सका। तो इससे आप समझ गए होंगे कि तीनों स्टार्स के पत्नियों के पास कितना पैसा है और इनके पास भी कितनी संपत्ति है। ये बहुत ही चुनाव आयोग को हलफनामा जो दिया गया है उसमें डिटेलिंग की हुई है।